Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and as all of you must be knowing about the Cicerelli series that is going on in our channel, on our channel, ठीक है? तो यहाँ पे जो Cicerelli की series हम लोग cover कर रहे हैं, chapter 1 to chapter number 15 को पूरी तरीके से detail में cover कर रहे हैं. Chapter 1 already finish हो चुका है, so if you have not watched that video, चैप्टर वन तीन पार्ट्स की वीडियो में मैंने कवर किया था, तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो इसी वीडियो के नीचे है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक सेलेक्ट करके फिर सारे वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो मेक श्योर यू डू वॉच दैट आउट ऑल्सो. एंड अगर आप उन तीनों वीडियोस को ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं तो आपको एक चीज करनी है, वो है रिविजन. ठीक है, सैटरडे एंड संडेज आई गिव यू गाइज टू रिवाइज वॉट वी हैव स्टडीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. सो एवरी मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे राइट एट 7 PM आई यू नो गिव आउट अ वीडियो रिगार्डिंग द Cicerelli बुक. हम लोग जो भी चैप्टर कवर कर रहे होते हैं और सैटरडे और संडे आप लोगों के रिविजन डेज होते हैं. चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो. ठीक है, आज हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 2 पे ही हैं अभी. ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा उसी को कवर कर रहे हैं अभी भी. लास्ट टाइम अभी तक जो है हमने अप्रोक्सीमेटली 3 वीडियोस मैं रिलीज कर चुकी हूँ चैप्टर 2 की. एंड टिल नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड, कैन वी हैव अ क्विक रिविजन नाउ. लॉट ऑफ यू विल फील कि ये तो बड़ा टाइम वेस्ट है और काफी मेरे को कमेंट्स देखने को मिलेंगे नीचे दैट द वीडियो एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मिनट और दैट मिनट. सो इफ यू आर समबडी हु जस्ट वॉन्ट्स टू स्टडी द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, यू कैन यू नो फॉरवर्ड इट एंड वहां से आप देखना शुरू कर सकते हो जहां से ये वीडियो स्टार्ट है. बट इफ यू आर समबडी हु इज फॉलोइंग दिस सीरीज और ये Cicerelli की सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, देन लेट्स डू द रिविजन ऑल्सो. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में जो पहली वीडियो थी उसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, वी टॉक्ड अबाउट ग्लियल सेल्स ऑल्सो, है ना, ग्लियल सेल नाम के सेल्स के बारे में हमने बात की. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स. तो बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात की थी लाइक डोपामीन, एसिटाइल कोलिन एंड अ लॉट ऑफ अदर्स. देन जो सेकेंड वीडियो मैंने रिलीज की थी मंडे को, इन दैट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट योर नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि कैसे CNS है और PNS है. CNS में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखा था, है ना. ब्रेन का हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में, इफ यू रिमेंबर, वी स्टडीड दैट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उनके फर्दर जो पार्ट्स होते हैं. और PNS के कौन से दो पार्ट्स थे, इफ यू कैन रिकॉल क्विकली, वी हैड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वी हैड योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम. एंड ऑटोनॉमिक में फर्दर एक सिंपैथेटिक डिवीजन और एक पैरासिंपैथेटिक डिवीजन था. यस, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट इन द सेकेंड वीडियो. देन इन द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जो कि कल ही रिलीज हुई थी, उसमें हमने बात की है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. नाउ व्हाट आर दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो डक्टलेस ग्लैंड्स थे ना जो अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ देम, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनाड्स, देन योर थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, आज का जो वीडियो है आपका फोर्थ वीडियो है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके मेथड्स फॉर स्टडीइंग स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स. ठीक है, सो ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो यू ऑलरेडी नो, बट हाउ डू वी नो अबाउट दैट? हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर का कैसे पता लगा, ब्रेन के फंक्शन का कैसे पता लगा? तो उन चीजों को पता लगने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो एक्सपेरिमेंटर्स और रिसर्चर्स यूज करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन का स्ट्रक्चर पता कर पाए कि भाई वो वाला ब्रेन रीजन है कहाँ पे जो थिंकिंग से रिलेटेड है, या जो ब्रेन रीजन हंगर से रिलेटेड है वो किधर प्लेस्ड होता है. एंड सेकेंडली, ताकि लोग फंक्शन जान पाए तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर दोज मेथड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं. तो हमारे ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अगर मुझे स्टडी करना है तो
तो ये मेथड्स मैं यूज कर सकती हूँ। सेकेंडली ये जानने के लिए कि मेरा सपोज डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है, जो ब्रेन में होता है, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो किधर लोकेटेड है, देन आई कैन यूज दीज मेथड्स। ऑल राइट, सो द फर्स्ट मेथड दैट वील टॉक अबाउट इज योर लीजनिंग। सो लीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के एरियाज कुछ लोगों में जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। स्पेशली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता जाके किसी ह्यूमन के ब्रेन के एरिया को, रादर जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एरिया उनके बारे में स्टडी किया जाता है। कैसे, एक थिन इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड को हमारे ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है, और वो जो इलेक्ट्रोड हमारे ब्रेन के अंदर इंसर्ट होता है उस इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ब्रेन के अंदर। तो होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो जो उस इलेक्ट्रोड की टिप है ना, वो उस पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके थ्रू वहां पे से करंट पास हुआ है, ठीक है। उस करंट से वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। बट यहाँ पे तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड एरियाज ही पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी एरिया को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज कोई इंसान है जिसका एक्सीडेंट हो गया और एक पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट है जो कि डैमेज हो गया। मे बी वी सी कि उसका जो हाइपोथैलेमस है, रिमेम्बर हाइपोथैलेमस कहाँ पे था, कौन से ब्रेन का पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था ना, थैलेमस हाइपोथैलेमस, वी स्टडीड अबाउट इट इन पार्ट टू। सो हाइपोथैलेमस सपोजिटली उसका खराब हो गया। नाउ वी वांट टू सी कि अब ये जो ब्रेन है उस ब्रेन के एक पार्ट पे जहाँ पे डैमेज हुआ है, उस डैमेज होने से उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में क्या डिफरेंस आया है, कुछ फर्क पड़ा है। तो क्या उससे हमें ये पता लग सकता है कि वो इंडिविजुअल का जो ब्रेन का पार्ट था उसका एक्चुअली वो लोकेशन क्या थी, किधर लोकेटेड था वो ब्रेन का पार्ट। तो उससे हमें लीजनिंग के मेथड से ये चीजें पता लगती है कि ब्रेन का जो पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलरेडी, तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा उस पार्ट को, बिकॉज दैट पार्ट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया दैट वॉज हार्म्ड और दैट वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट इज लोकेटेड इन दैट रीजन जहाँ पे डिस्ट्रॉयमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सो दैट इज योर लीजनिंग। फिर जो आपका सेकेंड मेथड होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ये पता करने के लिए कि भाई हमारा ब्रेन दिखता कैसा है, जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन में वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किधर लोकेटेड है। सो अनदर पार्ट इज योर ब्रेन स्टिमुलेशन। सो ब्रेन स्टिमुलेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ही यूज करते हैं, यानी कि जो आपका ब्रेन है उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट या एक्टिवेट किया जाता है। तो टेम्परेरीली जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह हम लोग फंक्शन कर पाते हैं, उसको थोड़ा सा डिसरप्ट किया जाता है। पूरे के पूरे ब्रेन को डिसरप्ट नहीं किया जाता, रादर उस ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को डिसरप्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, ये देखने के लिए कि अगर पूरा का पूरा ये ब्रेन था तो इसका मैंने सिर्फ ये वाला स्पेसिफिक एरिया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से टेम्परेरीली डिसरप्ट कर दिया, तो क्या उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में कोई चेंजेस आए। और मैंने ये देखा कि उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में ये चेंज आया कि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हंगर जो है उसकी इंक्रीज हो गई है। और हमें ऑलरेडी पता है कि हंगर से रिलेटेड कौन सा ब्रेन का एरिया है, हाइपोथैलेमस है ना, जो हंगर के चीजों को कंट्रोल करता है। सो दैट मींस जो एरिया मैंने डिस्ट्रॉय किया है, जो एरिया मैंने टेम्परेरली डिस्टर्ब किया है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर डिफरेंट ब्रेन एरियाज। Another method is your TMS, which is nowadays very very famous also. TMS क्या है? Transcranial magnetic stimulation. So over here हम कुछ भी चीज ब्रेन के अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। That is why it is written that it is a non-invasive technique. जो आपका ब्रेन स्टिमुलेशन था या लीजनिंग था वो ये जो है इन्वेसिव टेक्निक्स थी। Why invasive? क्योंकि हम ब्रेन में भाई कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करवा रहे हैं, या ब्रेन को पूरी की तरह पूरे के पूरे तरीके से इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं। सो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है ये, या जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वेयर एज ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो तीन टेक्निक्स हुई। अब कुछ टेक्निक्स हमारे पास ऐसी भी होती है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टू स्टडी द ब्रेन इन रियल टाइम,
ठीक है, जो हमने पहले तीन टेक्निक्स पढ़ी वो तो भाई हम ब्रेन के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं और हो रहा है, मे बी वो इंडिविजुअल अभी नहीं है, ठीक है, एंड उसका ब्रेन है, सो वी आर ट्राइंग टू स्टडी दैट, मे बी उस इंडिविजुअल में जो ब्रेन है वो पार्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, चल ही नहीं रहा है, तो हम स्टडी कर रहे हैं, बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू स्टडी द ब्रेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन रियल टाइम, यानी कि एक जीते जागते इंसान का ब्रेन मुझे स्टडी करना है जब वो अपने ब्रेन को यूज भी कर रहा हो, ठीक है, तो सपोज मैं अपने एक सब्जेक्ट को बुला के लाती हूँ एक्सपेरिमेंटर के रूम में और मैं उसको बोलती हूँ कि एक बुक है मैंने आपको जो दी है उसको रीड करो, एंड नाउ आई विल स्टडी द ब्रेन, राइट नाउ द सब्जेक्ट इज यूजिंग द ब्रेन, द पर्सन इज यूजिंग द ब्रेन, है ना, पार्टिसिपेंट अपने ब्रेन को यूज कर रहा है टू रीड दैट पर्टिक्युलर बुक, एंड नाउ आई विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ब्रेन, द फंक्शन ऑफ देयर ब्रेन, कि भाई ब्रेन का वो कौन सा एरिया है जो अभी एक्टिवेटेड है, वो कौन सा पार्ट है जो अभी एक्टिवेटेड है, थ्रू दैट आई विल गेट टू नो दैट ओके दिस पार्ट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग, ठीक है, सो स्ट्रक्चर अगर मुझे मैप करना है मेरे ब्रेन का रियल टाइम में, ठीक है, रियल टाइम में अगर मुझे जानना है कि मेरे ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट किधर लोकेटेड है, तो वन टेक्निक कैन बी कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या होता है कि हम ब्रेन के एक्सरेज निकालते हैं, ठीक है, देर आर अ सीरीज ऑफ एक्सरेज जो कि है ब्रेन के एक्सरेज निकाले जाते हैं, वो हम कंप्यूटर में देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रेन के एक्सरेज मेरे पास आ रहे हैं और जब इंडिविजुअल किसी काम में इन्वॉल्व है तो कौन से एरियाज एक्टिवेटेड हैं उसके, किधर है वो एरिया। ओके, अनादर कैन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विच इज योर एमआरआई, वेरी वेरी फेमस, एमआरआई का नाम सबने सुना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक वेव्स का कुछ यूज करते हैं, सो वी आर यूजिंग योर रेडियो वेव्स एंड योर मैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो हमारी बॉडी में, ताकि जो है कंप्यूटर के ऊपर डिटेल में ब्रेन की इमेजेस आए। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी में तो हम सिंपली एक्सरेज निकाल रहे हैं, वो इतने डिटेल्ड नहीं आते, ना ही इतनी क्लैरिटी से दिखाई देते हैं, बट वॉट हैपन्स इन एमआरआई इज कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज कर रहे हैं, हम रेडियो वेव्स भी यूज कर रहे हैं जो आपके ब्रेन और बॉडी के थ्रू पास हो रही है, सबने देखा होगा ना मशीन के अंदर एक इंडिविजुअल जाता है ना, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एमआरआई जहां पे हम हर तरीके की वेव को यूज कर रहे हैं टू गेट दोज ब्रेन इमेजेस विच आर वेरी डिटेल्ड एंड वेरी क्लियर इन नेचर, तो ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ जो है मेथड्स होते हैं दैट कैन हेल्प अस इन मैपिंग द फंक्शन। अभी जो हमने सिटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी देखा या फिर आपका एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग देखा, दैट वॉज फॉर योर स्ट्रक्चर, कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको रियल टाइम में पता करना है तो वो आप उससे पता कर सकते हो। बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन इन रियल टाइम, कि कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन फॉर दैट वी हैव अ नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, तो एक मेथड आपका ईईजी है विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम में क्या होता है, हम लोग ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स लगा के। ना व्हाट इज योर स्कैल्प, ये जो आपका सर है इसको हम स्कैल्प बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, इस लेडी के हेड फोरहेड पे और स्कैल्प पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड हैं जो कि एक मशीन से अटैच्ड है, ये मशीन फर्दर कंप्यूटर से अटैच्ड होती है, तो इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का पता लगता है कि कौन सा ब्रेन एरिया अभी एक्टिवेटेड है। तो मे बी मैं इस लेडी को बोलूंगी कि आप ये बुक रीड करो और फिर मैं देखूंगी कौन से ब्रेन के एरिया में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रहा है, देन मे बी आई विल गिव हर अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड आई विल टेल हर टू सॉल्व दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, देन आई विल सी विच ब्रेन एरिया इज एक्टिवेटेड। अनदर मेथड फॉर स्टार्टिंग द ब्रेन इन रियल टाइम इज एफएमआरआई, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जैसे हमने एमआरआई पढ़ा ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसके आगे बस आप फंक्शनल लगा दो, इट इज एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक फंक्शनल एग्जामिनेशन करते हैं आपके ब्रेन के एरियाज को बाय सीइंग कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स में ऑक्सीजन के चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ ब्रेन वापस से वैसी ही मशीन होती है,
इट इज नॉट वेरी डिफरेंट. जो मशीन आपकी एमआरआई में यूज होती है वैसी ही मशीन में आप इंडिविजुअल को अंदर डाला जाता है. एंड ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल्स को देखकर और कंपेयर करके ये देखा जाता है कि कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिवेटेड हैं और कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिवेटेड नहीं है. जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन यूज अप हो रहा है दोज ब्रेन एरियाज आर एक्टिवेटेड एंड आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ. दैट मींस जो भी पर्टिकुलर काम उस इंडिविजुअल को दिया गया है वो ब्रेन एरिया जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है वो ब्रेन एरिया उस काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो दिस इज अबाउट, दीज आर द टू वेज बाय विच वी कैन ऑल्सो मैप द फंक्शन. ईईजी है और आपका एफएमआरआई है. अब और भी तरीके होते हैं फंक्शन को मैप करने के. ठीक है, अनदर वे ऑफ मैपिंग फंक्शन इज योर पेट स्कैन. बहुत लोगों ने सुना होगा पेट स्कैन, विच इज योर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. सो दिस इज नॉट टोपोग्राफी. ठीक है, कई लोग इसको टोपोग्राफी भी बोलते हैं. दिस इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. यहाँ पे क्या होता है ना, एक इंडिविजुअल के अंदर एक रेडियो एक्टिव शुगर जो है इंजेक्ट की जाती है. सो उसको इंजेक्शन से उसके बॉडी में रेडियो एक्टिव शुगर डाली जाती है एंड देन द पर्सन इज गिवन सर्टन वर्क टू डू. और फिर क्या होता है कि जिस ब्रेन एरिया को अभी वो इंडिविजुअल यूज कर रहा है उस ब्रेन एरिया में वो रेडियो एक्टिव शुगर क्या करेगी, कंप्यूटर में एक कलर कोडेड इमेज रिजल्ट देगी. जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं तो यूजुअली हमारे ब्रेन में कलर तो नहीं होता है, बट हियर व्हाट वी आर सीइंग इज दैट व्हिचएवर ब्रेन एरिया इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडिविजुअल राइट नाउ कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उस ब्रेन एरिया में हाईलाइट हो चुका है बिकॉज कंप्यूटर में कलर कोडेड इमेज आई है. नाउ हाउ इज दिस कलर कोडेड इमेज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर. क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव शुगर को यूज किया है तो उसकी वजह से हमें ये कलर दिखाई दे पा रहा है. ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें बहुत सिंपल है. आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. बहुत एमसीक्यू में क्वेश्चंस तो एज सच इससे नहीं पूछे जाते हैं, बट समटाइम्स यू नेवर नो, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर. तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रेन रीजन स्टडी करना है, रियल टाइम में स्टडी नहीं कर पा रही हूँ मैं, हो सकता है इंडिविजुअल इज नो मोर, हो सकता है मेरे पास ब्रेन है किसी इंडिविजुअल का और मुझे स्टडी करना है, या कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, देन आई हैव टू स्टडी. देन लीजनिंग है, ब्रेन स्टिमुलेशन है, ये दो टेक्निक्स है जो इन्वेजिव है, जो ब्रेन को यू नो हार्म पहुंचाती है. Another non-invasive technique is your TMS, that is transcranial magnetic stimulation, जहाँ पे मैं brain को real time में study नहीं कर रही हूँ. I'm not studying the brain when it is being used at that particular point of time. फिर अगर real time पे मुझे brain का structure पता लगाना है, map करना है, तो I can use a CT scan, I can also use an MRI. And then अगर real time में मुझे brain का function पता लगाना है, तो we can use EEG, electroencephalogram, we can use fMRI, which is your functional MRI, and we can also use your PET, that is PET scan, positron emission tomography. ठीक है, चलिए. So that is it for today's video. Thank you everyone for watching this video till here. और I hope आज की video से भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, है ना? So with this video, we have actually covered your entire chapter number 2, जो कि था the biological perspective. हमने इसमें neurons की भी बात कर ली, nervous system की भी बात कर ली, brain के structures की भी detail में बात करी, neurotransmitters की भी बात कर ली है. Then we have also talked about your, today as we talked about these mapping, the brain structure and the brain functions, we have also covered your endocrine glands. So, हमने आपका पूरा का पूरा chapter एक तरीके से cover कर लिया है. One thing that I want you all to know is about a person known as Roger Sperry. ठीक है, तो Roger Sperry जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा renowned नाम है इनका. Renowned नाम क्यों है? Because इन्होंने एक experiment किया था. The experiment was split brain experiment. ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे studies किए थे upon the split brain experiments कि एक human के animals के brain को you know जो corpus callosum है, remember left hemisphere और right hemisphere को connect करने वाला corpus callosum है, उसको destroy करके इन्होंने ये study करने की कोशिश की थी कि particularly left hemisphere कौन से रोल्स और कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और पर्टिकुलरली राइट हेमिस्फेयर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है. एंड व्हाट ही फाउंड आउट मेजरली वाज कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है,
वो मेजरली रिलेटेड होता है विद योर यू नो मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, विद योर रीजनिंग, विद योर स्पीच प्रोडक्शन. इफ यू रिकॉल ब्रोकास एरिया, वर्निकीज एरिया लेफ्ट लोब्स में ही है ना हमारे. ब्रोकास एरिया आपका लेफ्ट फ्रंटल लोब में है, वर्निकीज आपका लेफ्ट टेम्पोरल लोब में है. वेराज जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है, इट इज मोर कंसर्न्ड विद इमोशनल रीजनिंग रादर देन लॉजिकल रीजनिंग. इट इज कंसर्न्ड विद हैविंग स्पेशियल अवेयरनेस. इट इज कंसर्न्ड विद आर्ट एंड म्यूजिक का सेंस. ठीक है, तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फेयर्स हैं वो अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं. ओके, सो दिस इज वन नेम दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर. रॉजर्स पेरी एक पायोनियर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्प्लिट ब्रेन स्टडीज में, स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट में. सो विद दैट वी हैव ऑल्सो कवर्ड योर चैप्टर नंबर टू. चैप्टर वन हो चुका है, चैप्टर टू हो चुका है. आई होप यू गाइज आर ऑल्सो रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स साइमल्टेनियसली. अगर आप लोग कोई नोट्स बना रहे हैं तो यू कैन यू नो फील फ्री टू शेयर द इमेजेस ऑफ योर नोट्स. ईमेल कर सकते हैं आप लोग, तो ईमेल इज mindreview121@gmail.com. ठीक है, ये ईमेल आईडी है मेरी. इफ यू वांट कि आप अपने नोट्स की इमेज खींच के, फोटो खींच के मुझे शेयर करना चाहते हैं सो दैट आई कैन सी व्हाट काइंड ऑफ नोट्स यू आर मेकिंग, सो दैट आई कैन ऑल्सो बी अश्योर्ड कि भाई कोई फायदा भी हो रहा है इन वीडियो से कि नहीं, पढ़ भी रहे हो कि नहीं, या मैं वेस्ट में ऐसे वीडियोज बनाए जा रही हूँ. ठीक है, सो ये अगर मुझे देखना है, इफ यू गाइज वॉन्ट यू कैन शेयर योर यू नो नोट्स ओवर हियर. कोई डाउट है तो वो भी आप ईमेल पे भेज सकते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट डाउट ऑन ईमेल इटसेल्फ, या फिर अगर मुझे लगा कि भाई इस चीज पे तो कोई वीडियो बना के ही समझाया जा सकता है, सो आई डू दैट ऑल्सो. सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर एवरी वन, एंड हम लोग कल 7 बजे मिलेंगे, एंड टुमोरो वी विल बी स्टार्टिंग विद योर चैप्टर नंबर 3. और कल की वीडियो में प्लीज 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 टेक योर यू नो पेन एंड नोटबुक राइट विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि हम लोग कल लिख लिख के पढ़ेंगे. ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ ही लिखूंगी. यू गाइज कैन ऑल्सो मेक नोट साइमल्टेनियसली, ताकि आपको वीडियो बीच बीच में पॉज करके लिखना ना पड़े. वील राइट इट टूगेदर एंड वील स्टडी टूगेदर, वील अंडरस्टैंड टूगेदर. सो टुमोरो वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर सेंसेशन एंड परसेप्शन. चलो, सो आई एम एंडिंग द वीडियो एंड वील मीट टुमोरो. बाय बाय.